बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषण त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह 100 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ हो रहा है। संत श्री सोमवार को हरिशिवा उदासीन सनातन मंदिर में 100 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यज्ञ में आहुतियां देने से आहुति देने वाले के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण व समृद्धि होती है। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में संतों महंतों के मंत्र उच्चारण के बीच अग्नि मंथन से अग्निदेव का प्राकट्य होकर 100 कुंडी यज्ञ प्रारंभ हुआ। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन एवं बाल ब्रह्मचारी त्र्यंबकेश्वर महाराज के सानिध्य में काशी वृंदावन भद्रास सरदार शहर मोठ के 150 विद्वान पंडितों वे बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में आहुतियां प्रदान की गई। यज्ञ से पूर्व प्रातःकाल यजमान का प्रायश्चित अनुष्ठान पूजन तत्पश्चात आचार्य दिवाकर के द्वारा पंचांग पूजन किया गया। इससे पूर्व हरिशिवा मंदिर से महिलाओं द्वारा पीले वस्त्र पहने कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को यज्ञशाला की परिक्रमा करवाई गई। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में डंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज नरसिंह भारती महाराज आचार्य हरिओम महाराज स्वामी नारायण महाराज ब्रह्मचारी देवेश महाराज का सानिध्य मिला। साथ ही स्थानीय संत मायाराम महंत गोपालदास शास्त्री महंत संतराम हाथीबाटा आश्रम महंत बाबूगिरी महंत मोहन शरण शास्त्री महंत बनवारी शरण काठिया बाबा महंत आदित्य महाराज महंत बलराम दास रपटके बालाजी महंत जयराम दास पुजारी हरिगोविंद महंत रामदास रामायणी संत रामदास समूड़ी संत नारायण दास भी अतिथि के रूप में पहुंचे। श्री सूत्र मंत्रान भाव पढ़े